हेलो एंड वेलकम टू द रेसिपी बाउल। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा। इस सीज़न में मार्केट में कच्चे आम बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, तो आप भी इस टेस्टी मुरब्बे को बनाकर एक साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हमें सबसे पहले केरी लेनी होगी, और इसे खरीदते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मुरब्बे वाली केरी अलग से आती है। तो ये केरी बिल्कुल डार्क कलर की होती है और इसमें रेशे बहुत कम होते हैं, यानी पल्प बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें सबसे पहले हार्ड वाली केरी लेनी है, नरम केरी का बिल्कुल भी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमें इसे ग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी और मुरब्बा भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं इन केरियों को पील कर लूँगी। पोटैटो पीलर की हेल्प से मैं इनका छिलका निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी केरियों को पील कर लिया है, तो अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। तो यहाँ ग्रेटर के मीडियम वाले साइड की तरफ से, या फिर आप बड़े वाले साइड की तरफ से, किसी भी साइड से आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी केरियों को ग्रेट कर लिया है, तो अब हम इसे मेज़र करेंगे। आप किसी भी मेजरिंग कप से या फिर घर में कोई भी कटोरी अवेलेबल हो उससे आप इसको नाप सकते हैं। तो यहाँ टोटल मेरी केरी हुई है 1.5 कप। तो यहाँ ग्रेट की हुई केरी हमारी हुई है 1.5 कप। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बराबर मात्रा में चीनी डालनी है। तो उसी कप की हेल्प से आप इक्वल क्वांटिटी में जितनी ग्रेट की हुई केरी हुई है उतनी ही चीनी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप इसमें चीनी डाली है, और ये 1/2 कप चीनी और डाल रही हूँ क्योंकि हमारी 1.5 कप केरी थी। तो अब हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ गैस ऑन करके मैंने उसे गैस पर रख दिया है, और अब इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी और केरी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और गैस की फ्लेम को मैंने अभी लो ही रखा है। और एक बार जब केरी अच्छे से चीनी के साथ मिक्स हो जाए, उसके बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो यहाँ हमारी केरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है चीनी के साथ, और अब मैं इस पर लिड लगा रही हूँ। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमें 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है। तो यहाँ 5 मिनट बाद हमें एक बार इसे चेक कर लेना है। तो ये देखिए चीनी कितनी अच्छे से घुल चुकी है, इसका पानी सा बन गया है। तो अब इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए हम कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं अभी ले रही हूँ कुछ केसर के धागे, ये इसमें बहुत ही अच्छा कलर देंगे और केसर का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो हमें इसमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जो चीनी का पानी बना है उसी में हम केसर को भिगाएंगे। तो अब मैं इसे साइड रख दूंगी जब तक ये भीग जाएगा अच्छे से। तो अभी इसे हमें पकाते रहना है, और बीच बीच में हमें इसे हल्के हाथों से चलाते भी रहना है। तो अभी इसे पकते हुए 5 मिनट और हो गए हैं, यानी टोटल 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, साथ ही बिल्कुल 2 चुटकी हमें इसमें दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर देना है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। तो अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे ताकि इलायची का और दालचीनी का फ्लेवर मुरब्बे के अंदर बहुत ही बढ़िया से आ जाए। तो हमने इसे मिक्स कर दिया है, और अभी इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकने देना है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, तब तक कि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ इसे पकते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें केसर ऐड कर देंगे जो हमने सोक होने के लिए रखा था। तो यहाँ मैंने इसमें केसर डाल दिया है, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से येलो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत ही ब्राइट आता है। तो यहाँ इसे पकते हुए करीब 20 मिनट होने वाले हैं, तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो हमारा मुरब्बा पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, 20 मिनट भी हो चुके हैं। तो इसे थोड़ा सा हमें कटोरी में लेना है, और इसकी चाशनी को हमें चेक कर लेना है कि इसमें एक तार बन जाना चाहिए। एक तार की चाशनी जब बन जाएगी तो मुरब्बा बनकर रेडी हो जाएगा। इसे ज़्यादा भी हमें नहीं पकाना है, नहीं तो केरी हार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमारा मुरब्बा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब इसे हम कम्प्लीट ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारा मुरब्बा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही ब्राइट सा कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है।
तो आप भी इस मुरब्बे को बनाकर किसी भी क्लीन कांच के जार में डालकर फ्रिज में 1 साल तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप भी इसे बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।